हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पे एक बम्पर वैकेंसी लेके आया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की भर्ती जारी हो चुकी है। यहाँ पे सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2019 कांस्टेबल के लिए 359 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसकी लास्ट डेट आप लोग की जनवरी 2019 को है। आप लोग फ्रेंड्स, इसमें मेल फीमेल दोनों लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। दोस्तों, मैं आपको सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट की पूरी फुल डिटेल में आप देने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल के एंड तक। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल देता हूँ। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2019 की जो आई है, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, जो कि 359 वैकेंसीज, हेड कॉन्स्टेबल GD 19 मेल 1 फीमेल एंड कॉन्स्टेबल GD के लिए 295 मेल एंड 44 फीमेल्स अंडर स्पोर्ट्स कोटा के लिए वैकेंसीज आई हुई है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स की, मतलब कि इसमें 10th और 12th क्लास के बच्चे और ये कोई भी डिग्री हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे फ्रेशर्स का दे रखा है। यहाँ पे सैलरी आपकी हेड कांस्टेबल GD की 25,500 से लेके 81,100 रुपीज़ हैं। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आप लोग की रुपीज़ 21,700 टू 69,100 है। जॉब लोकेशन पूरे इंडिया में आपकी कहीं भी हो सकती है फ्रेंड्स। यहाँ पे लास्ट डेट फॉर्म को अप्लाई करने की आप लोग की 13 जनवरी 2019 है। अब मैं दोस्तों आप लोग को बताता हूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आपकी 10+2 या फिर कोई इक्विवेलेंट बोर्ड या यूनिवर्सिटीज आप लोग को नाइज डिग्री होनी चाहिए। या फिर फ्रेंड्स, आप लोग का कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए मेट्रिकुलेशन या 10th या उसके इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइट आपकी मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए बॉयज़ के लिए, और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, चेस्ट आपका 80-85 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है। एंड वेट फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वेट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, मतलब कि अकॉर्डिंगली उसी के आप लोग के होनी चाहिए। एज लिमिट फ्रेंड्स इसका यहाँ पे 13 जनवरी 2019 से 18 से 23 साल के बीच में आप लोग की उम्र होनी चाहिए, तभी आप लोग इस वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके थ्री एज रिलैक्सेशन आप लोग का आपको यहाँ दे रखा है कि 5 ईयर अनरिजर्व्ड के लिए होगा, 8 ईयर्स SC ST के लिए होगा और 10 ईयर्स OBC कैंडिडेट्स के लिए, अदर एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ओके दोस्तों, सो फ्रेंड्स, आप यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेबल की पोस्ट वाइज वैकेंसी 359 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल GD के लिए 20 पोस्ट और कांस्टेबल GD के लिए 339 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज को बता रखा है किस किस फील्ड में आप लोग के लिए स्पोर्ट्स वाइज वैकेंसी डिटेल क्या है, 359 पोस्ट कैसे कैसे हैं। तो ये सारी बटी हुई मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। देखा आप, सो फ्रेंड्स आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट शैल बी बेस्ड ऑन फिजिकल स्टैंडर्ड ट्रायल, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रायल टेस्ट, मतलब आप लोग का ये सब होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, ट्रायल लिया जाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी देखा जाएगा, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होगा, अचीवमेंट्स होंगे, ट्रायल टेस्ट होंगे, इस टाइप चीज की। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड ट्रायल टेस्ट PST PET एंड शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम DME हुज डॉक्यूमेंट आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल रिक्वायर टू अपीयर इन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब जिनका फॉर्म वो जो टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं लोग को मेडिकल के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके दोस्तों, सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस उन लोग को दिया जाएगा जिन्होंने मेडल्स जीते हैं कंट्री रिकॉग्नाइज करंट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में, या फिर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कोई भी मेडल जीत है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल गेम्स में ड्यूरिंग द ईयर 2015-16, 16-17 and 17-18 में, उन लोगों को इसकी प्रेफरेंस मिलेगी जरूर। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर्ट्स अचीवमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब कि उसकी खेलने कूदने की जो अचीवमेंट्स होंगी, जिसमें उसने जितना जीता है उस टाइप की परफॉर्मेंस को लेके आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन फीस आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 100 रुपये, मात्र 100 रुपये, नो फॉर ऑल फीमेल्स SC ST, नो फीस फॉर ऑल ऑफ देम। मोड ऑफ पेमेंट आप लोग का फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ
ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ नोट करने की बात है कि मतलब आपको किसके लिए मतलब किसके फेवर में आप लोग को चेक बनाना है, DIGP GC CRPF जरोड़ा कलन न्यू दिल्ली। ओके दोस्त, सो फ्रेंड्स आप गए, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को अप्लाई करने के लिए क्या करना है। 13 तारीख से पहले आप लोग को इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। इसका पोस्टल एड्रेस फ्रेंड्स यहाँ पे ये है, DIG ग्रुप सेंटर CRPF जरोड़ा कलन न्यू दिल्ली 11072 पिन कोड। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप लोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CRPF की कि मतलब कि सही में इसकी वैकेंसी आई हुई है। इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप लोग के पेज नंबर 15 से 21 के बीच में यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पूरी एकदम बकायदा है, पूरी नोटिफिकेशन आई हुई CRPF की, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, फ्रॉड न्यूज़ नहीं है, एकदम सही वैकेंसी है। आप लोग यहाँ पूरी डिटेल देख सकते हैं, पूरा आपको स्टेप वाइज पूरा आपको फॉर्म का प्रोसीजर भी है कि आप लोग फॉर्म प्रोसीजर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या करना है कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।